जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। ये कहानी है रामायण की। नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म आदि पुरुष के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि प्रभास की मोस्ट वेटेड फिल्म आदि पुरुष 16th जून 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी और देखते देखते फिल्म के आज बॉक्स ऑफिस पर डे 7 कलेक्शंस पूरे होने वाले हैं। लेकिन फिल्म पर विवाद जमकर सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैला हुआ है। आदि पुरुष फिल्म जब से रिलीज है तब से विवादों में है। फिल्म का डायलॉग से लेकर के VFX तो वही लुक, हर चीज को लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते फिल्म के कलेक्शंस में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर टोटल डे 6 कलेक्शंस पूरे हो चुके हैं और फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ते को कंप्लीट करने वाली है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 6 की बात कर ले तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 6 के अंदर ओनली 15 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई की, जिसके चलते फिल्म का टोटल डे 6 तक अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 410 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई कर चुकी है। जहां फिल्म का हिंदी वर्ल्ड से टोटल 140 करोड़ नेट, तो वहीं फिल्म का तेलुगु वर्जन से 117 करोड़ ग्रॉस, तो वहीं फिल्म का टोटल ओवरसीज मार्केट से 52 करोड़ ग्रॉस से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। दोस्तों, फिल्म के डे 7 प्रेडिक्शन की बात कर ले तो फिल्म अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के अंदर 10 से लेकर 15 करोड़ की कमाई कर रही है, जिसके चलते फिल्म का डे 7 तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 420 करोड़ की ग्रॉस कमाई होने की उम्मीद है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 के अंदर 140 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई ओपनिंग ली थी, तो वहीं फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 340 करोड़ की ग्रॉस कमाई की थी। वहीं दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि मेकर्स ने थिएटर्स तक ऑडियंस को लाने के लिए टिकट के दाम को कम कर दिए हैं। फिल्म 22 जून और 23 जून को मात्र 150 रुपए में दिखाए जाएंगे। वहीं दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि फिल्म में अब पुराने वाले विवादित डायलॉग को हटाकर नए डायलॉग्स एडिट हो चुके हैं। अब फिल्म आदि पुरुष नए डायलॉग्स के साथ फिल्म में दिखाए जाएंगे। क्या फिल्म में विवादित डायलॉग की जगह नए डायलॉग्स फिल्म पर कोई असर छोड़ेगा या नहीं, फिल्म कलेक्शंस करने के मामले में उछाल करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपने आदि पुरुष देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हॉलीवुड की नई रिलीज फिल्म दी फ्लैश के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे फिल्म दी फ्लैश के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 की, तो फिल्म दी फ्लैश का आज बॉक्स ऑफिस पर पहला हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। फिल्म के डे 7 कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म ने डे 7 के अंदर 1.10 करोड़ की टोटल नेट कमाई की है। इसी के साथ फिल्म दी फ्लैश का अभी तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 20.75 करोड़ की टोटल नेट कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से $139 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म दी फ्लैश को ओवरऑल $220 मिलियन के बजट में तैयार किया गया है। इंडियन करेंसी में बात कर ले तो फिल्म को टोटल 1809 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म दी फ्लैश दोस्तों हिंदी में भी उपलब्ध है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने नहीं देखी है तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं विकी कौशल एंड सारा अली खान स्टारर फिल्म जरा हटके जरा बचके के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20 के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे फिल्म के डे 20 कलेक्शंस की, तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20 के अंदर 0.95 करोड़ की टोटल नेट कमाई की है। इसी के साथ फिल्म जरा हटके जरा बचके का अभी तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 71.33 करोड़ की टोटल नेट कमाई हो चुकी है। फिल्म जरा हटके जरा बचके के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 55 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एंड सैलरीज को मिलाकर। फिल्म जरा हटके जरा बचके दोस्तों आपने देखी या ना देखी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म दी केला स्टोरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 48 के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी फिल्म दी केला स्टोरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 48 की, तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 48 तक आते आते टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 243.63 करोड़ की टोटल नेट कमाई कर चुकी है। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म दी केला स्टोरी का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 304 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 28 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। दोस्तों, फिल्म केला स्टोरी अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 50 के बेहद नजदीक है। फिल्म दी केला स्टोरी को दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर राइस ऑफ द बीस्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14 के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे स्टीफन केबल जूनियर के डायरेक्शन में बनी फिल्म ट्रांसफॉर्मर राइस ऑफ द बीस्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14 की, तो फिल्म का आज बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता कंप्लीट हो चुका है और फिल्म
अपने दूसरे हफ्ते तक आते आते टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से $280 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल $200 मिलियन के बजट में तैयार किया गया है। इंडियन करेंसी में बात कर ले तो फिल्म को टोटल 1,650 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था लेकर जो का हल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आता तो लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।